ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर मानव जीवन की परिधि है। जब तक जी औलाद जन्म नहीं लेती, व्यक्ति का बिल्कुल दृष्टिकोण गगनचुंबी होता है। चांद छूने सही। और बादलों को पकड़ने की उड़ानें उठती हैं। ये चंद लाइनें हैं एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला धारावाहिक उपन्यास सुलगते ज्वालामुखी, जिसकी जी लेखिका डॉक्टर अर्चना प्रकाश आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, जैन जी सरोकार के मंच से, जो एक इंद्रधनुषी मंच है। हमें हम बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं अर्चना जी आपका, और ये हमारा सौभाग्य है, और खास तौर से मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे एक साक्षात्कार करने का मौका मिला। जी मैम एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, कई उपन्यास, आकाशवाणी से जुड़ना और 80 से ज्यादा पुरस्कार इनकी झोली में है, जो ये बताते हैं कि मैम कितनी प्रतिभाहीन है, कितनी धनी है, कितनी गुणी है। हम इससे पहले कि सवालों का सिलसिला शुरू करें, मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे सब लड़कियां होती हैं, मेरा भी जन्म गांव में हुआ। हम किसी शहर में नहीं पैदा हुए, ठेठ गांव में पैदा हुए, और हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती थी। लेकिन हमारे साथ एक ये बात हुई कि हमारी जो माँ थी वो बचपन में गुजर गई थी, तो फिर हमारे पिता को, जो उन्होंने पढ़ाई करके लखनऊ में जूनियर इंजीनियर हो गए थे, और उन्होंने रीमैरिज कर लिया था। तो बस वहीं से काफी कुछ है। देखिए, जब 5 वर्ष 6 वर्ष की छोटी अवस्था होती है, तो उस वक्त जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई हमने आंखों से देखी और महसूस किया। कभी कोई कहता है कि ये बदकिस्मत है, मनहूस है, देखो माँ मर गई। कोई कहता है कि ये कैसी है, तो बस ऐसे ही जिंदगी शुरू हो गई। और हमने प्राइमरी तक पढ़ाई गांव में ही की थी, और फिर उसके बाद हमारे पिताजी हमको लखनऊ ले आए, और लखनऊ में हमारी शिक्षा हुई, और महिला कॉलेज से हमने बीए करके बीएड किया, और उसी वक्त हमारा विवाह भी हो गया। तो कभी कभी कॉलेज में और टीचर्स में मुझे बहुत, वो लोग मुझको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, तो मुझे एक ये जो कमी थी, जो घर बार से जो एक स्नेह का जो रहा, तो वो हमारा, हमारे मित्रों से, हमारे शिक्षकों से और उन लोगों से बहुत ज्यादा मिल जाता था कि हमें फिर घर का बुरा नहीं लगता था। और वो एक हिम्मत थी, हौसला था। और हमारे जो भी कॉलेज की मैगजीन वगैरह निकलती थी, जो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर होते थे, हम उन सब में रहे, हमेशा रहे और सबसे आगे रहे। तो जो हमारी टीचर्स थी, जो हमारी प्रिंसिपल थी, वो लोग हमें बहुत मान सम्मान देती थी, बहुत प्यार देती थी। यही है। और फिर यहाँ शादी होकर आ गए लखनऊ में ही, तो ये जो एक 25-30 सालों का जो एक समय था, वो ऐसा था कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे हो गए, बच्चा अब रो रहा है, अब उसको खाना चाहिए, अब वो बीमार है, फिर घर का काम, फिर रिश्तेदार, दोस्ती यारी, तो वो निकल गए। और जब ये हमारे बच्चे
दोनों बड़े हो गए और ये हॉस्टल चले गए, तब से मुझे इस ये लगा कि कहीं कोई हमसे कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ मेरे मन में शब्द और कुछ विचार ऐसे आने लगे। और ये भी बात थी कि जो हम बचपन से ही जैसे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं किसी घटना को या दुर्घटना को देखकर, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमारी औरों से भिन्न रही। यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें भी मुझे लगता था कि उसकी मदद करें, या जैसे चाइना और भारत का 1962 का एग्रेशन हुआ तो उस समय मुझे लगता था कि मैं फौजी भाइयों की मदद करूं। तो ये जो एक वो थी वो अलग अलग थी घर के और बच्चों से, और जब यहाँ ससुराल में आए तो ये दूसरी जो हमारी सहयोगी थी महिलाएं उनसे थोड़ा भिन्न था, जो कि उनको लगता था कि ये कैसी है। अब किसी ने उसको अच्छा समझा, किसी ने बुरा समझा, सबको प्रणाम, सबको नमन, सबका अभिनंदन। जिन्होंने अच्छा समझा उन्होंने हमें हौसला दिया, और जिन्होंने हमें अच्छा नहीं समझा उन्होंने हमें संघर्ष करने की प्रेरणा दी कि मतलब अच्छा हम खुद को साबित कर सके, और दुनिया की निगाह में यदि हम हैं तो हम कोई कुछ भी कहता है। बस यही है पूरी जिंदगी आपके सामने। इतने संघर्षों के बाद और फिर इतनी उपलब्धियां हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। आप ही की एक कविता की दो लाइनें पढ़ूंगी। जिंदगी से थके हारे ढूंढते हैं कुछ सहारे, भटकते हैं दर दुआरे, नेह जी निर्झर शुष्क खारे। ये चंद लाइनें आपके पूरे बुजुर्गों जीवन पर की याद लिखी हुई दिला है कर मेरी देती कविता। हैं जी। चलिए दो चार सवाल आपसे और फिर आपसे गुजारिश कि आप अपनी कोई कविता, कुछ लेखन, कोई कहानी जो भी आपको बहुत पसंद हो और जिसे आप हम सबसे शेयर करना चाहें, हमें सुनाना चाहें, तो वो सुनेंगे। एक जी पहला सवाल शायद बहुत जनरल सा है, आपका रुझान लेखन की तरफ कब हुआ और कब वो पहली कविता, वो चंद लाइनें आपकी कलम से निकली? उस वक्त हम हाई स्कूल में थे और हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी, तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि मतलब तुम आगे करो, तुम आगे बढ़ के कोई डांस तैयार करो। तो उसमें हमने एक टूटी फूटी कविता लिखी और उसी पे एक्शन सॉन्ग लिया और अपनी तीन चार सहेलियों के साथ करवाया। तो वो जब स्टेज पे कुछ लाइनें थी कि जैसे था कि नील गगन में चांद अकेला, नील गगन में चांद अकेला, इस धरती पर हम हैं अकेले। नील गगन में चांद अकेला, इस धरती पर हम हैं अकेले। तुम्हारे साथी तारे, चांद के साथी तारे टूटे, और मेरे साथी संगी साथी सब हैं इस दुनिया के। ऐसे ही करके वो लंबी सी कविता थी, तो उसी पे गीत था वो 5 मिनट में। तो उसमें उस वर्ष उन्होंने हमको ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया था हमारे कॉलेज की तरफ से। और फिर बीच में सब बंद रहा और मेरी जो हमारे जो बड़े बेटे हैं वो हॉस्टल चले गए, फिर वो इंजीनियर हो गए, और उसके बाद दूसरी बेटी भी चली गई। तो उसके बाद हमें समय मिलने लगा, काफी देर खाली रहते थे। तो जो हमारी दोस्तें थी वो कहती थी कि आओ हमारे यहाँ, तो हम लोग भजन संध्या, ये गीत संगीत, महिला मंडली, किटी पार्टी, ये सब करने लगे। तो उसमें जो भजन संध्याएं होती थी तो वो भजन संध्या हम देखते थे। सबसे पहले भजन लिखे और भजन से हमारे लेखन की शुरुआत हुई। और मेरा जो पहला भक्ति काव्य संग्रह है अर्चन करूं तुम्हारा, वो 2008 में आया, और उसको लिखना हमने 2000 में शुरू किया था। तो
उसके बाद से फिर सिंदूरी किरणें, फिर बसे मन राधे श्याम, अभी हमारा भक्ति काव्य का हाइकू में राम काव्य संग्रह है नमामि रामम आने वाला है, वो प्रेस में प्रकाशन में। तो मेरे चार भक्ति काव्य हैं, पांच छह कथा संग्रह, लघु कथा संग्रह, उपन्यास, सभी विधाओं में लेखन है। और ये पिछले इतने कई कम समय में इतनी सारी उपलब्धियां, ये बहुत गर्व की बात है। और ये बहुत मुश्किलों से मिलती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नारी जीवन में का कितना संघर्ष है, और हम अपने काम, अपने घर, अपनी व्यस्तताओं में हम अपने लिए अगर कुछ समय निकाल पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आजकल का जो जमाना है वो इंस्टेंट मैगी नूडल्स वाला है, इससे आप सहमत होगी। तो हमारे बच्चों का, हमारी युवा पीढ़ी जी का बहुत दायरा सीमित सा हो गया है, उनकी सोच बहुत सीमित हो गई है, वो चीजों की डेप्थ में, उनकी डिटेलिंग में नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है बस कुछ थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ थोड़ा सा समझ लो, वो आधा अधूरा सा ज्ञान, एक बहुत ही सीमित सा दायरा है उनके उनकी सोच का, उनकी समझ का कह सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरीके से देखिए, क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। हाँ, अब ये जो इस समय का माहौल है, जो साइबर क्रांति है, जो वैज्ञानिक क्रांति है, कि जहां पर हमें कुछ करना ही नहीं है, रेडी टू ईट मिल रहा है, तो वो खरीद कर खा रहे हैं बच्चे। और दूसरी चीज ये है कि मेहनत नहीं करना चाहते, वो अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने डोरीमोन देख लिया, उन्होंने स्पाइडरमैन देख लिया, और वही उनका सपना बन गया, वही उनका सपना बन गया कि जीवन का। तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो हम बच्चों को मानसिक भोजन दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, और कहीं ना कहीं गलती अभिभावकों की है कि वो बच्चा 1 साल का भी नहीं होता, 6 महीने का होता है, तभी से उसको टैबलेट दे देते हैं, तभी से उसको मोबाइल दे देते हैं, उसको गाने सुनाते हैं। तो मेरे घर में भी होता है, इस तरह हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको उनको समय देना चाहिए, माता पिता को। यदि माता पिता खुद समय देकर बच्चों को परवरिश दें, और जो ये थोड़ी पढ़ाई की आदत डालें, कि जैसे जो पहले कहानियां आती थी, चंदा मामा हम लोग पढ़ते थे, चंपक आता था, और कल्याण आती थी, कल्याण में शिक्षा प्रद कहानियां होती थी। जी, मैंने भी पढ़ी है कल्याण जी। हाँ, धार्मिक कल्याण के लिए कितनी बेचैनी रहती थी कि आ जाए तो मतलब, बिल्कुल और घर का काम करके और विद्यालय का सब करके उसके बाद भी कल्याण और सारी चीजें पढ़ डालते थे, इतना वक्त निकालते को थे। बाइंड करा के रखा गया था घर में, मेरे घर की लाइब्रेरी हाँ, में, कि जो तो पढ़ना चाहे उसको पढ़े। हाँ, अगर आज का बच्चा जितना टैलेंटेड झूठ बोलने में है, ब्लफ करने में है, फ्लर्ट करने में है, उतना टैलेंट सच्चाई पर अड़े रहने में नहीं है उनको, उतना टैलेंट अपना देसी भोजन खाने के लिए नहीं है उनको। वो नहीं कहते हैं कि हम सुबह उठें और पहले जाके पूजा घर में हाथ जोड़ लें, वो उठते ही है 9-10 बजे। देखिए, उनका जो टाइम टेबल उन्होंने बना दिया है, माता पिता उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब से बच्चा थर्ड फोर्थ क्रॉस हो जाता है, फिर वो जो उसकी मर्जी होती है उसपे माता पिता को यस करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से कि आज की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। और तो उसको बचपन से ही यदि आप करेंगे तभी वो हो पाएगा। अब देखिए, वो लिव इन भी कर रहे हैं, वो इंटरकास्ट भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, आप रोक नहीं सकते हैं।
और यदि वो फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं उनको। इमोशनली बच्चों को स्ट्रांग बनाना अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है, और हम अपने बच्चों को सपने देखना सिखाते हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करना है कैसे, ये हम नहीं सिखा पाते। और सपने देखिए, अगर सपने पूरे नहीं होते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश जारी बिल्कुल रहे, चलती बिल्कुल रहे। बिल्कुल तो ये वो नहीं सीख पा रहा, आज का जो युवक है वो ये नहीं समझ पा रहा कि कुछ सपनों के पूरे होने में जिंदगी लग जाती, और बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही जिंदगी आपने। भर मेहनत करनी पड़ती है तब आपके सपने पूरे होते हैं। हमने भी जब हम लखनऊ आए तो लखनऊ हम बहुत अचंभे से देखा हमने उतनी छोटी उम्र में, और हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा शहर है। हम बड़े खुश हुए कि यहाँ आ गए हम, लेकिन जब यहाँ के बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी कारों को हमने देखा तो हमको लगता था कि हमें भी ऐसे करना है। फिर हमारी जो मैम थी, जो हमारी ग्रेजुएशन में मैम थी, वो गाड़ी से आती थी तो हम सोचते थे कि हम भी अब करेंगे और अब गाड़ी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम गाड़ी नहीं ले पाए तो हम रोने लगे या उदास हो जाए या दुखी हो जाए। ये बच्चों को समझना है कि कुछ चीजें होने में वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है, देखिए, वो और उसके जिंदगी लिए में बहुत हारना ज्यादा बहुत प्रयास जरूरी करना होता है, क्योंकि हार के फिर एक जो नई ऊर्जा के साथ आप अपनी जीत की ओर बढ़ते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। आपसे बस एक है। हाँ छोटा सा सवाल, महिला जी, सशक्तिकरण का आप एक उदाहरण हैं, आप स्वयं एक उदाहरण हैं, आपने इतने संघर्षों के बाद भी इतनी उपलब्धियां हासिल करी हैं। जी आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं कि आप देखें हर ओर सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? बात तो हो रही है, बातें तो बहुत हो रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को आगे आना होगा, महिला ही महिला सशक्तिकरण कर सकती है। अगर कोई बाहर से आए, अगर कोई पुरुष तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाए कि हाँ मैं तुम्हारी शक्ति हूं, तो ये सशक्तिकरण नहीं हुआ, ये कमजोरी है महिला की। तो महिलाएं खुद को क्यों, ऐसा क्यों चाहती हैं कि हमें सशक्त करो? हम तो खुद से सशक्त हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हर महिला अपने आप में एक शक्ति है, एक महाशक्ति है। और जो मैंने नारी पे कविताएं लिखी, जो मैंने बेटी पे, तो उसमें ये साबित होता है। और आप देखिए कि ये महिलाएं ही तो हैं, उनके लिए कोई व्रत नहीं रखता, उनके लिए कोई उपवास नहीं करता, उनके लिए कोई मनौती नहीं मानता, है ना? फिर भी वो यहाँ वहाँ हर घर में धमाल मचा रही हैं, धूम मचा रही हैं, माँ बन के, बेटी बन के, बहू बन के, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, चाहे वो अमीर तबके के लोग हो। तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को सार्थक तरीके से सोचना चाहिए। सशक्तिकरण में उन्होंने नियम बना दिया डाइवोर्स का, अब वो बिना वजह के डाइवोर्स हो रही है उन लोगों को। तो महिला, एक महिला ये भी है कि ये समाज हमारा जो है वो महिला और पुरुष दोनों से मिलकर संपूर्ण है, अकेले नहीं, ना पुरुष ही अकेले संपूर्ण है ना महिला, तो दोनों को मिलकर हमें समाज को संगठित करना है। ऐसे में ये हमें खुद को साबित यदि कर लिया तो हमें किसी के संबल की, किसी के सहारे की और ये जो बैसाखियां होती हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। अपनी आप शक्ति पहचाने और अपनी शक्ति से अपने निर्णय लीजिए, अपने निर्णयों को कार्यान्वित कीजिए और अपने लिए अवसर ढूंढिए, और यदि अवसर आता है उसको तत्काल हासिल करो। ये मेरा कहना है कि महिला खुद से सशक्त है, उनको किसी संबल, जैसे कि सरकार ने विधवा विवाह का कर दिया, तो विधवा विवाह जब नहीं था तब क्या विधवाएं रहती थी? वैसे वो तो जिससे मन लगता था उसके पास जाती थी,
तब भी जाती थी, लेकिन आज उन्होंने नियम बना दिया तो उनसे उनको थोड़ा आराम हो गया है कि वो वहां अपना विवाह कर लेती है कोर्ट में जाकर। लेकिन जो घर के लोग हैं महिलाओं के साथ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वही उसके सशक्तिकरण में बाधक हैं। चाहे वो उसकी माँ होती है, उसका पिता होता है, उसका भाई होता है, तो वो कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी विवाह कर दें, नहीं तो ज्यादा काबिल पति ढूंढना पड़ेगा। जो जो लड़की पीसीएस कर सकती है, आईएएस कर सकती है, उसको करने नहीं देते हैं। तो अब इसमें थोड़ा बदलाव आया है हमारे समाज में, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि महिला खुद से स्वयं को सशक्त समझे और किसी के लिए सहारे के लिए मोहताज ना रहे अपने रास्ते। यहाँ से सरकार तक, राष्ट्रपति तक, द्रौपदी मुर्मू तक आपके रास्ते खुले हैं और आप अपना अधिकार ले सकते हैं हर तरह से, हर जगह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। जी ये बात सच है कि सशक्तिकरण की बातें हम सिर्फ महिला के लिए करते हैं, हम पुरुष के लिए कभी नहीं करते। दूसरी चीज, इस प्रतिस्पर्धा में जो पुरुष और स्त्री एक साथ चलते थे, हमने एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में उनको खड़ा कर दिया, एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ा कर दिया है, हो गया उससे है। विरोधी हो गए। अब वो विरोधाभास को संभालते संभालते कहीं ना कहीं कुछ कहा सुनी, कुछ खट्टी मीठी बातें, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी धीरे धीरे। देखिए सब एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा बहुत अच्छा होता है। डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, बहुत वो लड़कियां 2 ही दिन में डाइवोर्स कर लेती हैं, 2 महीने में, जो कि उनको सहनशीलता का परिचय देकर उस जगह वहां पर निर्वाह करके दिखाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी सरासर बिला वजह बेवजह डाइवोर्स होते हैं और उनके घर वाले, लड़के के घर वाले परेशान होते हैं, उनको पूरा पैसा और ये सब लौटाना पड़ता है। लेकिन अभी काफी कुछ है जो इस विषय पे कहा जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके अर्चना जी। जी तो ये मंच आज आपका है, तो मैं चाहूंगी आप अपनी कोई जो आपको बहुत पसंदीदा कविता हो, कोई रचना हो, कोई कहानी हो, आप उसे सुना। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कुछ पंक्तियां पहले वंदना के लिए कहूंगी। मैं भक्ति गीत से मेरा लेखन प्रारंभ हुआ था, तो मैं माँ शारदे की वंदना में कुछ कहती हूँ, 4 पंक्तियां हैं, आप सुनिएगा। शारदे 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 नेह ममता भरी मृदु बौछार दे, नेह ममता भरी मृदु बौछार दे। शारदे 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 अक्षर अक्षर ब्रह्ममय हो, प्राण ऊर्जा से सब तन्मय हूँ, प्राण ऊर्जा से सब तन्मय हूँ। योग माया कभी मंगला बन कर, रस छंदमय गीतों का संसार दे। योग माया कभी बंगला बन कर, रस छंद में गीतों का संसार दे। शारदे 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 नेह ममता भरी मधु बौछार दे। ये वंदना नवरात्रों की है, तो 9 देवियों के सभी रूपों का इसमें है और इसकी बहुत सुंदर
हाँ, इसकी अंतिम पंक्तियां देखिए। गूंगे की वाणी से भाषा मेरी अंत है उर बसी तू खिवैया मेरी। गूंगे की वाणी सी भाषा मेरी अंत है उर बसी तू खिवैया मेरी। कुष्मांडा कभी अम्बा बन कर, कुष्मांडा कभी अम्बा बन कर, लेखन प्रखर भाव झनकार दे, लेखन प्रखर भाव झनकार दे, शारदे नेह ममता भरी मृदु बौछार दे, शारदे। ये बहुत मेरी नवरात्रों की वंदना है, शारदा माँ पे लिखी गई थी, तो नवरात्रों में जो भी गोष्ठियां हुई उस पे इसको मैंने गाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम माहौल भक्तिमय हो गया। दूसरी कविता सुनाऊं क्या आपको, जी जी या बिल्कुल अवश्य जरूर। कुछ? अभी देखिए दिवाली होकर गई है, जी दिवाली, दिवाली का त्योहार हम लोगों ने मनाया है, और दिवाली पे बहुत खुशियां होती हैं, बहुत पटाखे धूम धड़ाके दीपक जलते हैं। श्री राम के आने पर अयोध्या वो लौटे थे, एक ये कहानी भी है कि वो लौटे थे इसलिए दिए जले। तो उसी को मैंने कहने की कोशिश की है, उसी बात को बताने की कोशिश की है कि दीपावली, दीपक और बाती है क्या, उनका रिश्ता क्या है, वो इस संसार के लिए क्या है। देखिए, दियों की रोशनी का जग दीवाना, दियों की रोशनी का जग दीवाना, जलती बाती को किसने है जाना, दियों की रोशनी का जग दीवाना, त्याग विराग का ये ताना बाना, मूक बाती से हारता अंधेरा घना, मूक बाती से हारता अंधेरा घना, छिप रही काली माँ दीपक तले, छिप रही काली माँ दीपक तले, पूछती बाती से दीप संग क्यों जले, दीप संग क्यों जले, बाती कहे त्याग ये जग के लिए, बाती कहे त्याग ये जग के लिए, भरूं सुखद एहसास सबके लिए, भरूं सुखद सह एहसास सबके लिए। अब सुनिएगा, ढूंढते हैं नयन जिसे हर दीप में, ढूंढते हैं नयन जिसे हर दीप में, जल रही बाती वहां पीर के सिंधु में, जल रही बाती वहां पीर के सिंधु में, बाती और दीपक का रिश्ता आशिकाना, बाती और दीपक का रिश्ता आशिकाना, बाती बिना दीपक हुआ बेगाना, पर
पाती बिना दीपक हुआ बेगाना। और देखिए, आप ने रामायण पढ़ी है, सभी लोग जानते हैं कि जो सीता और राम थे वो इस संसार के लिए उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे देखिए, लक्ष्य इनका, उनका ध्येय, उनका भी ध्येय संसार को सुखी करना था। और दीपक और बाती का देखिएगा, बाती बिना दीपक हुआ बेगाना, लक्ष्य इनका सिया राम सासु पियाना, लक्ष्य इनका सिया राम सासु पियाना, ज्योति ज्योति कहे नेह का फसाना, ज्योति ज्योति कहे नेह का फसाना, तमसी की छाव में दीपक जले, केसरिया ज्योति में बाती वरण करे, श्वास श्वास तेल से प्राण भरे, जीवन डोर सदा यूं ही अक्षय रहे, श्वास श्वास तेल से प्राण भरे, जीवन डोर सदा अक्षय रहे, दियो की रोशनी का जग दीवाना, जलती बाती को किसने है जाना, जो हमको दिखता है और जो नहीं दिखता है। ये भक्ति रस और जो श्रृंगार रस का आपने हमें मिला जुला सा वर्णन दिया, ये अतुलनीय है, ये बहुत सुंदर था। ये बताता है कि आपके विचार कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, और आप कितनी सहजता से अपने इतने सरल जीवन में रहते हुए आपने इतनी सरल भाषा में कविताएं लिखी हैं, या जो भी आपका लेखन कार्य रहा है उसको आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सरल वाक्यों में लिखा, ताकि जन जन तक पहुंच सके, लोगों को समझ आ सके। आपके पुरस्कारों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो बहुत लंबी है, तो आप कुछ बताना चाहेंगी उस बारे में? मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का ये मिला, इसमें भी मैं, मुझे अंतरराष्ट्रीय बागीशरी सम्मान दिया। ये देखिए पुस्तक है काव्य सलीला, तो ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसमें हुई। तो और एक और वही दिल्ली की विदुषी जी हैं, वो अखंड भारत में किताब, वो उसमें मेरी कविता छपी हुई है, तो उन्होंने भी हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का तो मुझे दिया है, सम्मान दिया है। तो इस तरह से सम्मान मिलते रहते हैं, खुशी होती है, कोई हमें पहचानता है, कोई हमें समझता है, ये एहसास बुलंद होता है। आप वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही एहसास है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की लाइन में हम भी खड़े हैं, थोड़ा पीछे ही सही, सोपानों पे चढ़ते हैं तो कुछ सोपान हमें मिल चुके हैं और कुछ अभी बाकी। जी जी हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप ये सोपान चढ़ती रहें और आप बहुत सारी और उपलब्धियां हासिल करें, और हमें और अच्छी अच्छी कविताओं से, कहानियों से हमें पढ़ने का मौका मिले। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप हैं और हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, आपके बारे में जान पा रहे हैं। कोई और कविता जो आपको बहुत पसंद हो? एक जो आपने बात की थी नारी पर, तो ये नारी पर एक कविता है मेरी, बहुत जगह मैं सुनाती हूँ, ये आपको सुनाती हूँ। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी और वैसे भी, आप देखिए, नारी का ना कोई विकल्प, नारी का ना कोई विकल्प, मिला न कोई पर्याय, मिला न कोई पर्याय,
नारी बस नारी ही है, नारी बस नारी ही है, वो एक महाअध्याय, वो एक महाअध्याय। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम सिर्फ हायर या मिडिल क्लास की नारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर नारी की बात कर रहे हैं, जो डाउन ट्रॉडन है, जो दलित है, जो निचले तबके की हैं। उनमें भी मैंने मेघा और प्रतिभा देखी है, ऐसा मेरी कहानियों को पढ़कर आपको लगेगा। नारी बस नारी ही है, वो एक महाअध्याय। तुमने दिए लांछन अनेक, तुमने दिए लांछन अनेक, लपटों में डाला अकारण, लपटों में डाला अकारण, वो सीता बन हुई महान, वो सीता बन हुई महान, हर कर्म बना धर्म पुराण, हर कर्म बना धर्म पुराण। तुम व्यर्थ श्राप देते रहे, तुम व्यर्थ श्राप देते रहे, विश्वासों के तोड़े उपमान, वो पाषाणी हुई अहिल्या, धीरज संबल का आख्यान, धीरज संबल का आख्यान। तुमने तोड़ी मर्यादाएं, तुमने तोड़ी मर्यादाएं, दैहिक भूगोल में तुम डूबे, दैहिक भूगोल में तुम डूबे, मातृत्व संजोया उसने, मातृत्व संजोया उसने, किया सृष्टि का नव निर्माण, किया सृष्टि का नव निर्माण। और आगे देखिए, प्रेम गीत गाए तुमने, प्रेम गीत गाए तुमने, गीतों का मर्म न समझे तुम, वो अलौकिक मधुबाला, वो अलौकिक मधुबाला, हृदय धरे अमृत प्याला। विष, अंतिम पंक्तियां हैं, विष प्याले तुम देते रहे, वो मीरा भक्त हुई महान, विष प्याले तुम देते रहे, वो मीरा भक्त हुई महान। जितने नस्तर बिंधे हृदय में, जितने नस्तर बिंधे हृदय में, वो उतनी शक्तिमान हुई, पग पग कांटे चुभे जितने, वो उतनी भव्य विराट हुई, वो उतनी भव्य विराट। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नारी के बारे में हम बात ना करें तो फिर हमारी बातचीत का अधूरापन रह जाएगा और हमें लगेगा कि अधूरा हम कुछ छोड़ दिया। कविताएं बहुत हैं आपकी और जी, आपके लेख भी बहुत हैं, आपकी आकाशवाणी पे प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम भी कई हैं। इतने सब उपलब्धियों के बावजूद आप इतनी सरलता को, अपनी सहजता को कैसे समेट लेती हैं? बस ऐसे ही है। अब इसका तो मैं क्या बताऊं, ए मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठती हूँ और मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाती। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया। जैसे हम बहुत छोटे से थे तो मेरे बाबा जी थे, तो वो हमको नर्सरी फर्स्ट में पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि जितना समय तुम बर्बाद करोगी वो कभी ना कभी तुम्हें याद आएगा और वो तुमसे फिर कहेगा कि तुमने हमें बर्बाद किया। तो जो व्यक्ति वक्त को बर्बाद करता है, वक्त बिल्कुल उसे भी बर्बाद कर देता है, ऐसा हमको बताया गया था। तो हम कभी एक पल भी बर्बाद नहीं करते, काम करते रहते। ये तो बहुत बड़ा संदेश है हमारे सारे सुनने वालों के लिए और जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी उनके लिए भी, और जो बाद में भी इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके लिए भी, कि समय का महत्व हम सबको समय समझना पड़ेगा। बस इसी तरह सब होता जाता है। ये खामोशी बहुत बोलती है, ये खामोशी बहुत बोलती है, यादों के हर तहों को घेरती है, कहे अनकहे शब्दों के हर राज को खोलती है। ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है, अगर आप इसको पढ़ना जी, चाहें। ये हमारी एक पुस्तक है मन की माटी से, वो मेरा पहला काव्य संग्रह है। उसमें हमने लिखा है एक नारी के लिए, नारी विमर्श की कविता है।
क्यों लिख दिया विधि ने, क्यों लिख दिया विधि ने, बेबस मेरी तकदीर में। हासिल कहीं कुछ भी नहीं, दिन बीतते गए पीर में। हासिल कहीं कुछ भी नहीं, दिन बीतते गए पीर में। तो इस तरह से काफी लंबी कविता है, लेकिन आपको मैंने चार पंक्तियां सुना दी हैं। भी जो कविता आ रही है, वो किताब आ रही है, वो नमामि रामम है, वो हाइकू पुस्तक है, राम के ऊपर हाइकू पे लिखा हुआ है। तो हम आपको कुछ हाइकू सुना देते हैं अपने। जी जी बिल्कुल। मैं कहानी और ये कविताओं के अलावा हाइकू और माहिया भी मैंने लिखे हैं, हाइकू और माहिया। तो ये देखिए, हाइकू देखिएगा। खुशी अपार, खुशी अपार, अजान रमजान, अजान रमजान, कटे बकरे। ईद के लिए कविता है, ईद बकरीद की। खुशी अपार, अजान रमजान, कटे बकरे। गुलाब गेंदा सबके मन बसा, महंगा बिका। गुलाब गेंदा, इसमें आपको हाइकू का पता होगा कि तीन लाइनों की कविता होती है, जापानी विधा है, और तीन पहला जो है पांच वर्ण होते हैं, और दूसरी लाइन में सात वर्ण होते हैं, और अंतिम लाइन में फिर पांच होते हैं। इस तरह से 17 वर्णों में आपको अपनी बात कहनी होती है। तो घर का भेदी जटिल समस्या है, हल ना कोई। ऊंची दुकान महंगे पकवान, लेबल देख। ऊंची दुकान महंगे पकवान, लेबल देख। व्हाट्सएप से प्रयोग अनोखा, खा गए धोखा। व्हाट्सएप है प्रयोग अनोखा, खा गए धोखा। वादे अनेक सपने उगे खेत, मिला गच्चा। नारी अस्मिता जो अभी आपने कही, नारी अस्मिता नगाड़े पुरजोर, ढोल में पोल। बदसूरत आदमी है प्यारा, बदसूरत आदमी है प्यारा, औरत बुरी, औरत बुरी। विधवा नारी हालात की शिकारी, करती मौज। टूटा भरोसा तड़पता हृदय, आवाज नहीं। टूटा भरोसा तड़पता हृदय, आवाज नहीं। तेल की धार, कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देखो, तो तेल की धार दूध घी से अलग, सोडा सब में, सोडा सब में। एक आपको राम के बालकाल के हाइकू सुना दूं, राम के बालकाल। जी जी बिल्कुल। हमारी क्योंकि हाइकू की ही पूरी पुस्तक है, तो इसलिए मैं आपको राम के बालकाल पे हाइकू सुनाती हूँ। सुनिएगा राम के बालकाल के हाइकू। जन्मे राम, जन्मे राम हर्षित कौशल्या रूप विराट, जन्मे राम हर्षित कौशल्या रूप विराट। बाजे बधाई दशरथ आंगना, खुशी अपार। नवमी तिथि चैत्र माह में, प्रभु प्रकटे धरा। राम दरस ब्रह्मा विष्णु महेश, धावे अवध। झूले पालना चारिव ललना, सुख असीम।
झूले पालना चारिव ललनवा सुख असीम, कमल नेत्र पीताम्बर वसन चले ठुमकी, पग पैजनी वाजत रुंझुन राम लला की। और अगला देखिए, गिरे भू पर रोवत असुवन धावे कौशल्या। राम का ये देखिए रूप, तोतरी बोली सुनिवारी कौशल्या मोहक छवि, माखन रोटी प्रभु हथेलिन से ले गयो कागा, करे भोजन भागे किलके प्रभु गोद ले नृप, धूल धूसर राम खेल के आवे गोद ले पिता, उठते प्रातः मातु पितु गुरु ही शीश नवावे, अनुज संग करे मृग आखेट दिखावे पिता। जो ये एक बच्चों में होती ना कि अपने माता पिता को करते हैं, प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, वैसा ही राम जी ने किया। राम द्वारे पवन सुत न्यारे राम भजते, राम दरबार में हर जगह पवन सुत होते हैं। बाल चरित बहुविधि देख के दास हुलसे, किया जनेऊ गुरु पितु मातु ने गए पढ़न। आपने माहिया सुने होंगे, माहिया होती है ये राजस्थान की विधा है। जी जी, राजस्थान की विधा है, और ज्यादातर जो जब उनके पति या प्रेमी चले जाते हैं विदेशों में या दूसरे जगहों में पैसे कमाने के लिए, तो वो उनको संदेशा माहिया के द्वारा देती है, गा के भेजती हैं। तो वो माहिया, चार पांच माहिया आपको सुनाती हूँ। जो छल में है माहिर, जो छल में है माहिर, उनके ही कर्म सभी, उनके ही कर्म सभी होते अपनी खातिर, होते। जो देखिए, जो भी ऐसे लोग होते हैं सिर्फ अपना सोचते हैं। अब आपको पारिवारिक जैसे होती हैं बातें होती हैं, अपनों से क्या गिला, अपनों से क्या गिला, सर्वस्व लुटा कर भी खुद को चैन ना मिला, अपनों से क्या गिला, प्रेम है पावन गंगा डूबे जो इसमें, मन उनका चंगा, प्रेम है पावन गंगा डूबे जो इसमें, उनका मन चंगा। और अंतिम आपको सुना रही हूँ, धन दौलत को लेकर एक माहिया लिखा है। कहते धन में हर बल, कहते धन में हर बल, तो धनवान सभी क्यों तन से है दुर्बल, क्यों तन से है, जितने धनवान है सब बीमारी रहते हैं। अर्पिता जी, ये बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कि ये अनवरत शब्दों की धारा कहीं रुके और आपकी कविताएं, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम जीवन से ये समय निकाला और हम एक दूसरे से कुछ बातचीत कर सके। और धन्यवाद जन सरोकार मंच का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया
कि हम अर्चना जी के जीवन के बारे में जान सके और उनकी कुछ कृतियों को हम सुन सके आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका और देवेंद्र जी का और इस मंच का। मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों से सबसे जुड़ने का। धन्यवाद। नमस्कार।